हर हफ्ते की तरह हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते में अलग अलग चैनलों पर हुई डिबेट में किन मुद्दों को तवज्जो दी गई। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के शो की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा की। पहला, क्या किसान आंदोलन अंदर की बात है? दूसरा, लोकतंत्र में कोई चीज अंदर की बात नहीं होती। तीसरा, सात समंदर पार से कई हस्तियां आई किसान आंदोलन के साथ। चौथा, निजीकरण और विनिवेश के लिए इतनी उतावली क्यों है सरकार? पांचवा, किसान आंदोलन के खिलाफ सोची समझी साजिश? रवीश अक्सर अपनी डिबेट के जरिए अलग अलग मुद्दों पर जानकारी देते दिखाई देते हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आने को देकर जानकारी दी और सरकार पर तंज भी कसा। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। जाहिर है भारत के प्रेस की रेपुटेशन अभी वैसी नहीं है जैसी प्रधानमंत्री चाहते हैं। जब हम ग्लोबल प्रेस की निर्भीकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो लोकल प्रेस को कौन झेलेगा? डू यू गेट माई पॉइंट? कोई भी प्रोडक्ट बिना शर्तों के प्रावधान के लॉन्च नहीं होता, तो आंतरिक समाचार के लिए भी कुछ शर्तें होंगी। डियर रियन, आई हेट यर्स, मने आई हेट टू से दिस। आप अगर प्राइम टाइम के आंतरिक समाचार के इस एडिशन का लिंक ट्वीट करना चाहेंगी, लाइक करना चाहेंगी तो नहीं कर सकेंगी। आपको इस लिंक का शेयर करने से पहले इंडिया आना होगा, तहसीलदार के दफ्तर में अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। बिना आधार कार्ड के रियना प्राइम टाइम का लिंक शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने लिंक में 2000 का एक विशेष नैनो चिप लगा दिया है। नए वाले 2000, होप यू नो व्हाट आई मीन। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, क्या सियासी राजनीति की परिभाषा बदल देगा किसान आंदोलन? दूसरा, क्या किसान गद्दी वापसी के हालात ला सकता है? तीसरा, किसानों से डर किसे लगता है? चौथा, निजी हाथों में देश सौंपने का सियासी घोषणा पत्र है बजट? पांचवा, क्या किसानों के साथ राष्ट्रीय सहमति बनने लगी है? पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस हफ्ते किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने किसान आंदोलन के मजबूत होने को लेकर कुछ अहम बातें बताई और सरकार पर सवाल भी खड़े किए। इस देश की इकोनॉमी का सच ये है कि पहली बार गांव से ट्रैक्टर में लदलद कर आलू, चावल, प्याज, मटर सारी चीजें इन इलाकों में आ रही है और लगातार यहां पर लंगर भी बना हुआ है। लोग भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। सवाल यह है कि अगर बैरिकेड से डराया जा सकता है तो हो सकता है कल आने वाले वक्त में इनको कुचल भी दिया जाए। लेकिन यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि किसानों के बीच हर परिवार से अगर एक शख्स आ रहा है और 5 लाख के तकरीबन किसानों की आवाजाही इस दौर में हो चली है, तो 50 लाख के भीतर जो करंट होगा, जो गुस्सा होगा, जो इस व्यवस्था को लेकर सवाल होंगे, उनका क्या होगा? भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है यह पहला आंदोलन है, लेकिन यह पहला आंदोलन इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले के तमाम आंदोलनों को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वह जातियों में बांटा गया। इस आंदोलन के भीतर आपको जाट भी नजर आएगा, आपको यादव भी नजर आएगा। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त है। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, चक्का जाम से बनेगा काम, किसानों का झंडा खालिस्तानी एजेंडा। दूसरा, राम भक्तों का नाम बदनाम ना करो। तीसरा, बजट 2021-22 पर मंथन का महामंच, 3 मंत्री, 1 पूर्व मंत्री और बाबा रामदेव से संवाद। चौथा, आंदोलन की आड़, वर्दी पर क्यों वार, आंदोलन एक प्रयोग। पांचवा, जनता का आर्डर खाली करो बॉर्डर, बड़े बेआबरू होकर। अमीश अक्सर कई अलग अलग मुद्दों पर डिबेट करते नजर आते हैं और इस बार वे किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट करते दिखाई दिए, पर मुद्दा किसान नहीं विदेशी कलाकारों के ट्वीट थे। देखते हैं वे इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि जब घर के विवाद का बाहरी लोग फायदा उठाने लग जाएं, तो संभल जाना चाहिए और हर भारतीय के लिए अपना देश भी घर की तरह है। भारत में किसानों की मांग पर विवाद चल रहा है और फायदा उठा रहे हैं भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले खालिस्तान समर्थक। है कि किसानों को मोहरा बनाकर खालिस्तान गैंग पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अपने देश में कुछ लोग
आंदोलन की आग में घी डाल रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में दिल दहला देने वाली हिंसा का नंगा नाच आपने भी देखा होगा। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, भारत के खिलाफ ग्लोबल गैंग की साजिश के तार कहां तक। दूसरा, हिंदू विरोधी एजेंडे का मास्टरमाइंड कौन। तीसरा, फर्जी आंकड़ों से भड़काने की चाल नहीं होगी कामयाब। चौथा, मजहब के नाम पर कब तक भड़काएंगे। पांचवा, सरल शब्दों में बजट की ABCD। दीपक चौरसिया की डिबेट हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर ही फोकस हुई दिखाई देती है। देखते हैं वे इस मुद्दे पर क्या कहते नजर आ रहे हैं। समाज को बांटने वाले तबके किस तरह झूठे तथ्यों के साथ एजेंडा चलाते हैं, ये सजीद उस्मानी जैसे लोगों के भड़काऊ बोल से समझा जा सकता है। उस पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल 31 जनवरी को सजीद उस्मानी ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए न सिर्फ झूठी थ्योरी घड़ी बल्कि संसद से लेकर न्यायपालिका के खिलाफ भी विवादित बयान दिए। अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को धार देने के लिए उसने जंग तक का ऐलान कर डाला। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सुनियोजित तरीके से हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। ये भड़काऊ अंदाज है AMU के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी का, जिसे धार्मिक भावना तो बहुत भड़काना आता है लेकिन देश के सिस्टम पर भी उसे कोई भरोसा नहीं, इसलिए जंग का ऐलान करने की बात भी करता है। असल मीडिया और गोदी मीडिया में फर्क हम आपको दिखाते रहेंगे। अब इन दोनों में से आपको किसको चुनना है, इसका चुनाव आपको करना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।